दोस्तों हम सैमसंग का डिवाइस तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनको देखना और उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे सिक्योरिटी को लेके। तो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे डिवाइस की। तो जैसे कि आपको पता है जो आईफोन्स रहते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, लेकिन जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती जितनी आपकी आईफोन की होती है। लेकिन अगर आप सही रहेंगे, सही ढंग से चलेंगे, सही तरीके से अपने डिवाइस को यूज़ करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी एंड्रॉयड डिवाइस की, और ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा सिक्योरिटी को लेके सैमसंग की, तो वीडियो मेरा यहाँ पे देखते रहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टैक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ध्यान से देखना पहली सेटिंग यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। आपने अपनी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना डिवाइस केयर एंड बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपने जो स्टेप है वो कौन सा करना है, आपने अपने डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ करना है, जो कि सभी करते हैं, ठीक है। अपने डिवाइस को सबसे पहले आपका स्टेप यही रहेगा, तो ये आपने ऑप्टिमाइज़ अपने डिवाइस को कर लेना है, हो गया ऑप्टिमाइज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे स्टेप है जो आपने फॉलो करना है वो कौन सा है, वो हमारा डिवाइस प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपने इसे एक्टिवेट कर लेना है और उसका स्कैन कर लेना है अपने डिवाइस को, ठीक है। 100% जब तक होता नहीं है आपने स्कैन करना है अपने डिवाइस को, तो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने बैक आना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पर आपका ऑप्शन दिखता है ना, यहाँ पे जाना है। फिर अबाउट डिवाइस केयर ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है, यहाँ पे जाना है अबाउट डिवाइस केयर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलते हैं, 2 अपडेट सिक्योरिटी इंजन ओपन सोर्स लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपडेट सिक्योरिटी इंजन पे क्लिक करना है, अपने सिक्योरिटी इंजन को आपने अपडेट कर लेना। अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर हो गया तो यहाँ पे वो भी शो हो जाएगा, लेकिन आपने इसे एक बार कर लेना है। फिर आपने वेट करना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चेक करना है, अगर अपडेट आई है तो उसे अपडेट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, ठीक है। आपने फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक और ऑप्शन यहाँ पे आपके डिवाइस में रहता है, वो है बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे जाना सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद अब ध्यान से देखना है यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद जाना है आपने मोर बायोमेट्रिक्स सेटिंग्स, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पहला है शो अनलॉक ट्रांजिशन इफेक्ट, तो ये आप ऑन कर सकते हैं, मतलब कि अनलॉक जो आपका इफेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं अपने डिवाइस को अनलॉक करता हूँ, ठीक है, चलिए इसको अनलॉक करते हैं। तो उसके बाद जो अब इफेक्ट आएगा आपका ना, तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो ये होम स्क्रीन पे ही वर्क करेगा। उसका बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैच यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने अपडेट यहाँ पे चेक कर लेनी है कि आपके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैच की अपडेट आई तो नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे द लेटेस्ट वर्जन इज इंस्टॉल्ड, मतलब कि मेरे डिवाइस में फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपने चेक कर लेना कहीं आपके डिवाइस में कोई अपडेट तो नहीं आई है इस चीज़ को, फिंगरप्रिंट को लेके और फेस रिकॉग्निशन को लेके, फेस लॉक को लेके कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, उसके बाद बैक आना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे इसी ऑप्शन में जाने चाहिए, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड करते हैं लेकिन कुछ एप्लीकेशन इतनी हार्मफुल होती हैं जिनमें वायरस होता है या फिर आपके डिवाइस की प्राइवेसी को लीक करते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है, फिर आपने यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाना है। फिर आपने यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्कैन ऐप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, ये ऑप्शन आपने यहाँ पे ऑन करना अगर ऑफ है तो। इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, ये भी आपने यहाँ पे ऑन कर लेना है, मतलब कि अगर आप को अगर आपके डिवाइस में कोई हार्मफुल एप्लीकेशन आएगी तो आपको ये डिवाइस आपको वार्न करेगा कि हाँ ये एप्लीकेशन हार्मफुल है, आप इसे परमिशन देना चाहते हैं नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये वार्न करेगा कि वो एप्लीकेशन जो है सिक्योर नहीं है, मतलब कि आपके डिवाइस को हानिकारक, आपके डाटा को लीक भी कर सकती है। तो आपने ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऑन रखने हैं किसी भी हालत पे, ठीक है। उसके बाद बैक आना है आपने। फिर आपने यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, इसको आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, चेक फॉर अपडेट यहाँ पे जाना है, ठीक है, ध्यान से देखना आपने यहाँ पे जाना है। तो इसको आपने यहाँ पे अपडेट को चेक कर लेना, कहीं आपके डिवाइस में अपडेट तो नहीं आया सिक्योरिटी को लेके, लेकिन डिवाइस इज़ अप टू डेट, यहाँ पे मेरा अपडेट है, आप इसे ज़रूर चेक कर लें। इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी और आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक नहीं होगी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था आज। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय,
टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।